हेलो, तो कैसे हो सभी लोग। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 है, 4 चैप्टर का। ये न्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, जो नया सिलेबस आया है। ठीक है, अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की, ठीक है, पुराने एडिशन की, उसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 18 होगा। ठीक है, 18। और चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, अरे क्या मच्छर यार, परेशान करते रहते हैं। खैर, तो फटाफट से बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इतना। ठीक है, आपको इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, वो क्या होता है? वही होता है b² - 4ac। ठीक है, बता दूंगा, नहीं बता तो कोई बात नहीं है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। फिर आपको इसके नेचर भी निकालना है, इसके रूट्स का, जो इसके रूट्स हो गए उसका नेचर बताना है, वो क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। एंड फाइंड इफ दे आर रियल, अगर वो रियल है तो उनको फाइंड भी करना। तो ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको इसका, इस इक्वेशन का। फिर आपने क्या चेक करना है? इसके नेचर चेक करना है, रूट्स का। अगर वो नेचर रियल आ रहा है तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। तो लिखते हैं हम सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो अपने को क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है? b² - 4ac। तो उसके लिए अपने को ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो देख ले, फाइंड करते हो क्या होते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है। वो क्या होती है भाई? वो होती है ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट कौन है? ए। अब भैया कोफिशिएंट के कोफिशिएंट जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? ए, है ना। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। x का कोफिशिएंट क्या है? b। यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी? x का कोफिशिएंट -2, 2 नहीं -2। यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है? c। यहाँ क्या हो जाएगा? c, 1/3। तो सिंपल है, यहाँ a हो जाएगा 3, जो x² का कोफिशिएंट है। b क्या है? x का कोफिशिएंट। यहाँ क्या है? b -2, और c कॉन्स्टेंट है तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं फटाफट से। वो क्या होता है? b² - 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -2 है का स्क्वायर -4, ए क्या है? 3 है। लो भाई, सी सी क्या है? 1/3 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अभी माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस यहां लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, पता ही आपको। अब एक का बचा खाली 1, तो 4 बन जा 4, है ना। ये तो कट गया 3 से 3, यहां 1 बचा, 4 बन जा 4। 4 में से 4 गया भाई, 0 आएगा ना। 4 - 4 = 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आया भाई, b² - 4ac = 0 आया है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल दिया। अब पूछा था नेचर कैसा है इसके रूट्स का। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो नेचर कैसा होता है? 2 = रियल रूट्स, 2 = नेचर ना, नेचर 2 = रियल ना, रियल रूट्स, 2 = रियल रूट्स हो गए। ठीक है, अब फिर बोला भी था तुमने कि इफ आर रियल, मतलब इफ दे आर रियल, मतलब अगर नेचर रियल है। ठीक है, इक्वल तो है, इक्वल कब बोलते हैं? जब जीरो आ रहा होगा हमारा b² - 4ac, जब जीरो आ रहा हो तो इक्वल बोल देते हैं। ठीक है, रियल तो है क्योंकि रियल होगी, इसके हमारे रूट तो हो गए, तो रियल है। तो रियल है तो आपको फाइंड भी करना है। ठीक है, इसके रूट्स तो फटाफट से फाइंड करते हैं। मैं एक सेकंड में आया ना, इंक डाल लेता हूँ मार्कर के अंदर। तो आप इतना मेरे को यह बताओ कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे रूट्स निकालने के लिए। अगर आपको पता है तो फटाफट से आप कर सकते हो, अगर ट्राई वीडियो को पॉज करके, वरना तो हम बता ही देंगे। ठीक है, तो देखो, तो हम यूज करेंगे भाई ये वाला हमारा। अरे अरे यार, सीधी लाइन भी आती है। खैर कोई बात नहीं, मान लो बना दू क्या। अब तो ठीक है यार, फिर भी पहले से तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला है हमारा x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो एक्स स्क्वायर निकालनी है, माइनस बी, बी क्या है भाई? -2। देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, बी की वैल्यू -2 ऑलरेडी है तो वो -2 अलग से, है ना। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये बी का ही माइनस है, -2। प्लस माइनस √b² - 4ac। b² - 4ac की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कैलकुलेट करके देखो, ये b² - 4ac तो था, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी ना।
पुट कर दो ना बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो भाई, सिंपल है सिंपल, ठीक है बाय में टू टू ए, ए की वैल्यू क्या है थ्री, लो भाई थ्री कर देते हैं तो x इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू आ गया, टू आ गया ठीक है, ये प्लस माइनस देखो रूट जीरो, रूट देखो रूट जीरो बस जीरो होता है मतलब उसको लिखेंगे ही नहीं है ना, रूट जीरो जीरो और जीरो को हम अब लिखेंगे तो जीरो गायब ही हो गया, तो जीरो आगे जो प्लस माइनस था वो भी गायब ही हो गया ना भाई, ठीक है अगर लिखना था तो लिख सकते हो, जो लिख देते हैं हम समझने के लिए, प्लस माइनस जीरो बाय में टू थ्री जा सिक्स, ठीक है अब अगर बात करूं हम रूट कैसे निकल लिखते हैं, रूट दो निकलेंगे क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकलते हैं तो एक तो प्लस का एक माइनस का, एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का ले लो, तो इसको ले लेंगे टू प्लस जीरो बाय में सिक्स और एक बार ले लेंगे टू माइनस जीरो बाय में सिक्स, अब जीरो को प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये अगर बात करूं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि x इक्वल्स टू टू बाय सिक्स और यहां भी x इक्वल्स टू टू बाय सिक्स, बात तो बराबर ही है भाई, अब ये कट जाएंगे तो ये आ जाएंगे टू इंजा टू टू थ्री जा सिक्स, यहां भी टू इंजा टू टू थ्री जा सिक्स, तो फाइनली आंसर आ चुका है x की वन बाय थ्री और वन बाय थ्री, लो भाई दो रूट्स निकल गए हैं वन बाय थ्री आपका आंसर है, ठीक है रूट्स निकल चुके हैं, क्वेश्चन सिंपल बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है फिर चेक करना नेचर कैसा है, अगर नेचर रियल है तो फाइंड करो रूट्स, हमने फाइंड कर दिया, तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा आप लो मर्जी आपकी है भाई, तो हम आशा करते हैं आपका लेक्चर समझ आया होगा, तो समझ आया तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन टाटा बाय बाय, और सब क्या है अरे बोलो भाई बोलो।